बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यूनिट नंबर 13.8 का ए पार्ट, दैट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, एंड 13.8 का बी पार्ट, दैट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर को डिस्कस करेंगे। देखें, हम एमीटर को गैल्वेनोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म कहते हैं, सिमिलरली इस तरीके से वोल्टमीटर भी हमारे पास मॉडिफाइड ऑफ गैल्वेनोमीटर है, यानी कि एम मीटर को भी गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है और वोल्ट मीटर को भी गैल्वेनोमीटर की हेल्प से ही बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर की बात, मतलब एम मीटर की बात करते हैं कि किस तरह से मॉडिफाइड फॉर्म बनाई जाती है हमारे पास। तो देखें, गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करवा देते हैं इन पैरेलल, तो ये मेरे पास हम लोग देखें कंप्लीट आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास बन जाता है एम मीटर। देखें, इसका बेसिक पर्पज क्या है कि एम मीटर हमारे पास जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। किस तरह से मेजर करता है, देखें लगता है कि हमारे पास यहाँ पर एक करंट जो है वो इस तरह से आ रहा है, और हमें ये बात पता है कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो है वो 0.17 एम्पीयर तक के करंट को मेजर कर सकता है। तो देखिए, लगता है कि 1 एम्पीयर का करंट तो गैल्वेनोमीटर के अंदर से गुजर गया, और जो रिमेनिंग पार्ट है फिर वो हमारे पास यहाँ से शंट रेजिस्टर से पास होता हुआ इस तरह से सर्किट से बाहर निकलेगा, यानी कि हम लोग जो है वो कंप्लीट जितना भी करंट हमारे पास आएगा इस वाले एमीटर के अंदर, तो हम इस कंप्लीट जो है वो करंट की मेजरमेंट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, ताकि जो डिटेक्शन आपको गैल्वेनोमीटर नहीं दे पाया है वो शंट रेजिस्टेंस के अंदर से गुजरे और हम लोग जो है वो तमाम जो है वो डिटेक्शन करंट की बता सके। ठीक, तो देखें हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर। देखें, हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एन एम मीटर इज अ मेजरिंग डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि हम लोग जो है वो एम मीटर को इस्तेमाल करते हैं करंट बताने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट बताने के लिए लोग जो हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली एम मीटर को। देखें, हम यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि एम मीटर इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर टू मेजर लार्ज करंट। एम मीटर जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म है गैल्वेनोमीटर की, इससे हम लोग जो है वो बड़े करंट को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है और एम मीटर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। और इसके बाद हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ एम मीटर की बात करेंगे। देखें, टू द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एम मीटर इज डन बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट पैरेलल टू इट, यानी कि गैल्वेनोमीटर एम मीटर में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप एक पैरेलल रेजिस्टेंस शंट को जो है वो कनेक्ट करवा दें गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, व्हेन दिस शंट इज कनेक्टेड पैरेलल टू इट, यानी कि जब आप करंट शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू गैल्वेनोमीटर, कम अमाउंट का करंट जो है गैल्वेनोमीटर से पास आउट हो जाता है जितना कि ये डिटेक्ट कर सके, और बाकी एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ करंट पासेस थ्रू द शंट रेजिस्टेंस, और जो बाकी करंट रह जाता है वो शंट रेजिस्टेंस की तरह से पास आउट होकर गुजरता है, तो जिसकी वजह से हम लोग जो है कंप्लीट करंट की मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये कंप्लीट आपको जो है वो एम मीटर नजर आ रहा है, यानी कि यहां पर इसके अंदर जितना भी करंट आएगा उसको मेजर किया जा सकेगा। तो ये हमारे पास है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर, क्योंकि हमने जो गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके एम मीटर बना लिया, जिससे हम लोग जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं। अब देखें, हमें ये बात पता है कि हमारे पास पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेजेस जो है वो सेम होते हैं हमेशा, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं दैट वोल्टेज थ्रू शंट दैट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज थ्रू गैल्वेनोमीटर, और अगर हम लोग जो है वो ओहम लॉ को इस्तेमाल करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आई एस आर एस इक्वल टू आई आर, That will be equal to IG RG, where IS is the current passing through the shunt, RS is the shunt resistance, IG is the current passing through the galvanometer, and RG is the internal resistance of the galvanometer. अब देखें, यहाँ पर IS की मेजरमेंट करने के लिए मैं दोबारा से डायग्राम के ऊपर जाऊंगा। देखें, लग के लें कि यहां तक करंट मेरे पास आया, तो यहां पर करंट आके जो वो डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में, IG प्लस IS में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं IS कैलकुलेट करूंगा तो IG को मैं I के साथ जो सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई एस आ जाएगा। दोबारा से सुनिएगा, यहां पर करंट आके जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे टोटल अमाउंट ऑफ करंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, आई जी प्लस आई एस, तो अगर आई एस मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, आई माइनस आई जी, यानी कि टोटल करंट में से मैं गैल्वेनोमीटर वाले करंट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास शंट से गुजरने वाला करंट आ जाएगा। तो हम यहां पर यही कह रहे हैं दैट आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी, सो यहां पर शंट की जगह शंट करंट की जगह क्या आ जाएगा, आई माइनस आई जी टाइम्स आर एस दैट विल इक्वल टू आई जी आर जी। लेकिन हमने ये बताना है कि हमें कितनी अमाउंट की शंट लगानी पड़ेगी करंट की मेजरमेंट के लिए, तो हम यहाँ पर आर एस को जो है वो आर एस के लिए फॉर्मूला बना लेंगे, दैट इज आई जी आर जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी, राइट। देखिए, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि द शंट विल कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इन एन एम मीटर विच विल गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन करंट पासेस थ्रू द मेन सर्किट,
आर एस जब आप जो है वो पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो आप जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है वो जनरेट करा सकते हैं। एम मीटर मस्ट हैव स्मॉल रेजिस्टेंस, एम मीटर की रेजिस्टेंस हमेशा कम होनी चाहिए सो दैट द करंट चेंज विद इट इज स्मॉल, यानी कि इससे जो है वो करंट का जो चेंज है वो बहुत कम आए, क्योंकि आपने बेसिकली मेजरमेंट करनी होती है करंट की। आइडली एन एम मीटर शुड नॉट हैव एनी रेजिस्टेंस, आइडली एम मीटर की कोई रेजिस्टेंस होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये बेसिकली करंट को मेजर कर रहा होता है और अगर इसकी रेजिस्टेंस होगी तो ये करंट के अमाउंट को कम कर देगा। सो दैट्स वाई हम आइडियली ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एम मीटर की अपनी कोई रेजिस्टेंस ना हो ताकि ये फुल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सके। सो एम मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है, रेजिस्टेंस बहुत कम है तो आप इसको सीरीज में कनेक्ट करवाएंगे तो ये आपके सर्किट को के अंदर से गुजरने वाले करंट को ब्रेक नहीं करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई एम मीटर को हमेशा जो है वो सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि लो रेजिस्टेंस की वजह से, एम मीटर की लो रेजिस्टेंस की वजह से आप एम मीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वोल्ट मीटर। देखिए हम लोग जो है वो गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करवा देते हैं वोल्ट मीटर में अगर आप एक हाई रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ जो है वो सीरीज के अंदर कनेक्ट करवा देते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट बन जाएगा वोल्ट मीटर। व्हेन द हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वानोमीटर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, राइट। यानी कि अगर आपने किसी भी सर्किट का जो वोल्टेज मेजर करना है तो आपको क्या करना होगा, एक हाई रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना होगा तो ये आपका जो वोल्टेज मेजरमेंट प्रोवाइड करेगा, राइट। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर इज अ मेजरिंग डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, यानी कि वोल्ट मीटर जो है वो ये बताता है कि कितना वोल्टेज आपके सर्किट के अंदर से पास आउट हो रहा है या कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टेड अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट, यानी कि हमारे पास गैल्वानोमीटर जो है वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यानी कि हमारे पास एक ही वे हो करंट के पास आउट होने, दैट इज कॉल्ड अ सीरीज सर्किट, राइट। सो इन सीरीज सर्किट द पोटेंशियल स्प्रेड्स एंड टोटल पोटेंशियल इज द सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द गैल्वानोमीटर एंड पोटेंशियल अक्रॉस द हाई रेजिस्टेंस वीएच। देखिए हमें ये बात पता है कि सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो जाता है, पहले हमारे पास होगा वोल्टेज ड्रॉप थ्रू गैल्वानोमीटर, फिर हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा थ्रू द हाई रेजिस्टेंस, यानी कि अगर मुझे कंप्लीट वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज मेरे पास कंप्लीट वोल्टेज जो यहां से गुजर रहा होगा दैट इज वी जी प्लस वी एच, यानी कि दोनों के वोल्टेज ड्रॉप्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल थ्रू द सर्किट यानी कि वोल्टेज आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर ओम लॉ को जो है वो यूज करता हूँ दैट इज वी जी की जगह क्या आ जाएगा आई जी आर जी, यानी कि करंट थ्रू गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, वी एच मीन्स करंट थ्रू हाई रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ हाई हाई रेजिस्टेंस, राइट। सो अब इसके बाद देखें यहां पर हमने कहा कि हमारे पास सर्किट जो है वो सीरीज है, देखें यहां पर हमारे पास ये जो सर्किट है वो क्या है, सीरीज है। सो हमारे पास जो करंट हमारे पास जो गुजरेगा गैल्वानोमीटर से वही करंट हमारे पास गुजरेगा कहां से, हाई रेजिस्टेंस से, यानी कि हम कह सकते हैं कि आई जी दैट विल बी इक्वल्स टू आई एच बिकॉज वी नो दैट करंट विल बी सेम इन द सीरीज सर्किट बट द वोल्टेज डिफर, राइट। तो हम यहां पर ये कहेंगे दैट आई जी इक्वल्स टू आई एच, देयरफॉर हमारे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन ये कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन कैसे, हम ये कहेंगे वी इक्वल टू आई जी आर जी प्लस आई जी आर एच, यहां पर देखें हमारे पास आई एच की जगह क्या आ जाएगा, आई जी आ जाएगा बिकॉज हमारे पास सीरीज सर्किट है, राइट। अब देखें इसको मैं वहां ले जाकर सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वी माइनस आई जी आर जी, और देखें हमें क्योंकि जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करवाते हैं उसी की जो है वो मेजरमेंट चाहिए होती है, क्योंकि हमें कितने रेंज का वोल्टमीटर बनाना है इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हाई रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करेंगे। सो ये आई जी को मैं वहां जाके डिवाइड करवा दूंगा। तो देखें ये अगर मैं एलसीएम ब्रेक करवाता हूं तो एलसीएम ब्रेक करवाने से ये होगा कि ये क्या हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाय आई जी हो जाएगा, और जब ये आई जी आर जी से डिवाइड होगा तो आई जी से आई जी कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा आर जी। सो दैट इज द रिलेटिव फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हाई रेजिस्टेंस विच इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट इन सीरीज विद अ गैल्वानोमीटर टू कन्वर्ट इन ताकि ये करंट को मतलब आपके जो है पोटेंशियल को जो है वो कैलकुलेट कर सकेगा, अगर लो रेजिस्टेंस होगी तो हमारे पास पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकेगा। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए बिकॉज इट शुड नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, ताकि ये जो है वो कोई करंट जो है वो सर्किट से ड्रॉ ना करवाए।
आइडियली अ वोल्ट मीटर शुड हैव एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें अगर वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करना है तो ये क्या करे, हाई रेजिस्टेंस रखे तक करंट हमारे पास जो है वो फ्लो ना करे सर्किट से, ताकि हम लोग जो है इजिली पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सके। अब देखें वोल्ट मीटर की हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होती है, तो अगर आप इसको सीरीज में कनेक्ट करवाएंगे तो ये आपके करंट के रास्ते को ब्लॉक कर देगा, रोक देगा, करंट को आगे गुजरने नहीं देगा बिकॉज हाई रेजिस्टेंस है। सो दैट्स व्हाई वोल्ट मीटर को हमेशा हम जो है वो कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, ताकि हमारे पास जो करंट का वे है वो रुक ना जाए, बंद ना हो जाए, ताकि हम लोग जो है वो इजीली हमारे पास सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करते रहे। क्योंकि अगर आपने वोल्ट मीटर को सीरीज के अंदर कनेक्ट करवा दिया तो ये आपके करंट को ब्लॉक कर देगा बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस। सो दैट्स व्हाई इसको हमेशा जो है वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं। ये चीज आपको जो है वो रखनी है याद कि हम लोग जो है वो एमीटर की लो रेजिस्टेंस की वजह से उसको जो है वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं और इसकी हाई रेजिस्टेंस की वजह से उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट टॉपिक ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अगर कोई क्वेश्चन बढ़े तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।